और तप बल विष्णु कर ही कल्याणा, तपस्या के बल से विष्णु कल्याण कर देते, तब तो सबको करना पड़ता है। नार बोलते हैं जल को, नीर बोलते हैं ना नीर, नीर किसको बोलते हैं? जल को, पानी को। ऐसे ही नार भी बोलते हैं जल को, पर नार में कोई अयन कर रहा। कहते तो श्रीमद रामचरित्र मानस है, वाल्मीकि जी की अगर आप ऐसी गाथा उठाएंगे तो वहां लिखा है राम अयन। क्या लिखा है? राम अयन, अयन मतलब जो रमण कर रहा है, रमण बिहारी रघुनाथ जी का नाम है। ऐसे जल में भी कोई अयन कर रहा है, नार में कोई अयन कर रहा है। क्या नाम है उनका? नार अयन। प्लस कर दो दोनों को तो क्या बनेगा? नारायण। क्या नाम बनेगा जी? नारायण, जो सदैव जल में रहता है, जल में शयन करता है। 1000 मुख हैं शेष नाग के, भगवान शेषशायी, भगवान दीन बंधु, पतित पावन, अकारण करुणा वरणालय, पर ब्रह्म परम शक्ति शेष नाग में शयन कर रहे हैं। नाम है नार अयन, यानी जहां पे विश्राम कर रहे हैं। ऐसे राम जी जहां रह रहे हैं उसका नाम है राम अयन। क्या बोलते हैं जी? रामायण। अब जब भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं, उनकी नाभि से एक पुष्प निकला है। इस पुष्प का नाम क्या है जी? कमल। ठीक कह रहे हैं, अरविंद जी ज्ञानी है। बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कमल का फूल निकला है। अब कमल के फूल में एक देवता बैठा है, चार मुख वाला ब्रह्मा जी है ना। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सृष्टि का आरंभ भी यहीं से, और ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से कोई यक्ष जैसा पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है बहन जी? भोले बाबा। क्या नाम है? शंभू। अब तीनों ने सोचा क्या करें, तीनों में कौन है रचयिता, कैसे इस ब्रह्मांड का आरंभ होगा, कहां से होगा। आवाज आई तप। क्या आवाज आई जी? तप। शंभू बड़े आकाश में, ब्रह्मा गए वापिस नाभि में, तो वही आकाश जैसा तले, आकाश जैसा ऊपर था। खूब तपस्या करने के बाद पता लगा कि ब्रह्मा को पैदा करने वाले नारायण और नारायण को पैदा करने वाले शंभू हैं। ऐसे वस्तुता तो एक ही चीज है, जैसे एक सोने के गहने का मंगलसूत्र बनता है, उसी सोने के गहने की मुद्री बनती है, उसी सोने के गहने का कड़ा बनता है, उसी सोने के गहने का हार बनता है, उसी सोने के गहने का कुंडल बनता है। सोना तो एक ही है या अलग है? लेकिन सबके नाम अलग अलग हो गए। कोई कहता है क्या सोना देना? हर व्यक्ति कहता है क्या दे दो? अंगूठी दे दो, मंगलसूत्र दे दो, है ना। ऐसे ही प्रण मक्षर के मध्य यही तीनों एका, ये तीन जो है राम समुत्पन्नाम प्रणतो वही बताएगा। ओम को पैदा करने वाला भी राम है। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। जगत गुरु विश्व गुरु आदरणीय हमारे गुरुदेव श्री रामानंद जी महाराज, श्री राम मनोहर जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम है। महाराज जी कहते हैं साहब, राम समुत्पन्नाम प्रणतो वही बताएगा। राम तो वो बीज है जो ओम को पैदा करता है, और शिव की कला आरती कर रहे तो उसमें लिखा है ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एक, ये तीनों एक ही है। ओम अक्षर से उत्पन्न है। क्या ओम कहां से उत्पन्न है? क्या ओम राम से उत्पन्न है? प्रेम दे बोलो जय श्री राम। जास वंश उपजई गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी जी। सीता के इशारे से अगणित लक्ष्मी ब्रह्मानी उमा पैदा हो जाती है। प्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उसंगट पर सोई। जो प्रकुटी को टेढ़ा कर दे तो परलय हो जाए, और प्रकुटी को सीधा कर दे तो साफ लय हो जाए, कल्याण हो जाए। ऐसे परम पिता परमेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम। ओ राम अयन, राम अपने आप में ही अयन कर रहे हैं, क्योंकि राम से सृष्टि दुनिया में
कुछ भी नहीं है, राम से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस दुनिया में मृत्यु के पश्चात भी आज भी ब्रह्मांड में सनातनियों को एक ही भरोसा है, पहला शब्द निकलता है राम नाम सत्य है। प्रेम दे बोले जय श्री राम। मोदी जी ने जब निर्णय लिया राम मंदिर के निर्माण का, तो बड़ा प्यारा वक्तव्य उन्होंने बोला राम जी के विषय में, कहते राम को मिटाने वाले अनेकों पैदा हुए। राम मंदिर, राम का मंदिर तो तोड़ा, राम की इमारतें तो तोड़ी, राम की छवियां तो हो सकता है खंडित की, लेकिन राम की मर्यादा, राम का प्रेम जो राम हिंदुओं के दिल में बसा है, उसमें से एक भी चीज को खंडित नहीं कर पाए। राम तो वो जो रोम रोम में बसा। रमंते योगिनो यस्मिन इति रामा, जो सदैव रमण कर रहा है, जो तन में है, मन में है, जल में है, वायु में है, आकाश में है, गंदगी में है, सब जगह है, वो एक ही है, उसका नाम क्या है? राम। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊचरि नीचू, अमी माई में माहुर मिचू। तो किसी ने प्रश्न कर लिया, अगर वो राममय है तो हमें अच्छाई अपनाने की जरूरत क्या है? हम बुराई के मार्ग पे भी चल सकते हैं, क्योंकि वो तो बुराई में भी है। हिंदे बोल दो, वो अद्वैत है, वो दो में नहीं है, लेकिन वो एक ही है। शंकराचार्य जी ने बड़ी प्यारी बात कही है, श्लोक याद नहीं है हमें, याद आ रहा। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। उसका अर्थ यही है कि सबका मालिक एक है, इसका अर्थ यही है जो श्लोक है। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। तो राम समुत्पन्न नाम प्रणतो मई वदायका, राम हर जगह रमणीय है, गंदगी में भी है और अच्छाई में भी है, लेकिन उसने अपने आप को दो भागों में बांट दिया। कहा प्रभु आपने अपने आप को दो भागों में क्यों बांटा? कहते हैं दो भाग नहीं होंगे तो दुनिया चलेगी नहीं। तुलसी जी ने लिखा कैसे दो भागों में बांटा है, सुख के साथ क्या आता है जी, पाप के साथ पुण्य, दिन के साथ रात, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच नीच, क्रमनाशा गंगा। गंगा है ना, जैसे नहाने से सारे पाप मिट जाते हैं, ऐसे क्रमनाशा नाम से भी एक नदी है, दरिया, उसमें नहाने से मनुष्य के सिर्फ और सिर्फ पाप प्रकट होते हैं, वो पापी हो जाता है। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। फिर से बोल दो, वो परम पिता परमेश्वर अद्वैत है, लेकिन उसने अपने आप को बांटा है द्वैत में। जो अद्वैत और द्वैत को पहचान लेता है वो अद्वैत से दूर हो जाता है, और राक्षस में भी राम का दर्शन करता है, दैत्यों में भी राम का दर्शन करता है, लेकिन हर चीज को संभल करके चलना चाहिए। श्री विवेकानंद जी महाराज के दो बालक, दो शिष्य, उन्होंने यही बात कही जो मैं आपको कह रहा हूं, सारी जगह राम है। कौन है जी सारी जगह? रमनते योगिनो येस्मिन सहिति रामा, हर जगह जो रमण करे वो रमण विहारी है, वो अवध विहारी है, वो कनक विहारी है, वो बाके विहारी है, वो विहारी है जो रमण कर रहा है। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। अब ज्ञान दिया तो अंग्रेजी में कहावत है, अ लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी अधूरा ज्ञान आदमी को मुसीबत में फंसा देता है। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। अब गुरु जी ने कह दिया कि भाई सारी दुनिया में राम ही राम है, इस दुनिया में जो गाली दे वो भी राम है, जो प्रसन्नता दे वो भी राम है, सब राम है। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। अब दोनों चले जा रहे थे, जैसे आपके समालखा में भव्य शोभा यात्रा निकली, ऐसे एक महावत हाथी के ऊपर बैठ कर गया। हाथी बावरा हो गया था, पागल हो गया था, उसके सामने जो आ रहा था उसको सूंड में लपेटता, उठा करके फेंक देता, जो उसके समक्ष आता उसको उठा करके फेंक देता। हाथी ने उठा उठा करके सबको पटका। अब चेलों को गुरुजी की बात याद आ गई कि इस हाथी में भी कौन है जी? राम है। प्रेम दे बोलो जय श्री राम। उसी समय हाथ जोड़ा और हाथ जोड़ करके जैसे यश बैठा है, इसके पीछे चश्मे वाला बच्चा बैठा है, ऐसे दोनों गुरुजी के चेले थे, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और हाथ जोड़ करके कहते हैं मेरे प्रभु राम आओ, मेरे प्रभु राम आओ।
मेरे प्रभु राम आओ। राम जी तो आ ही रहे थे, बोलो जय श्री राम। अब हाथी ने स्वर्ण में लपेट दिया, एक छोला चेला तो दूर हो गया, दूसरे वाले को जो ज्यादा भगत था उसको पकड़ा स्वर्ण में लपेट करके और दूर फेंक दिया। प्रेम से बोल दो जय श्री राम। कहते हैं महाराज कल गुरुदेव की खैर नहीं, गुरु जी ने तो कहा था रमनते योगिनो सहिति रामा, जो रमण व्यारी है, जो रमण कर रहा है वो राम है। तो इस हाथी का राम कहा गया, हम तो प्रणाम कर रहे थे इसको। प्रेम से बोलो जय श्री राम। कैसे राम जी ने तुम्हारे को उठा के फेंक दिया, हड्डी पसली टूट गई हमारी। अब साहब गुरु जी के पास जाकर के बैठे, महाराज आपका ज्ञान तो कष्टदायी है, बड़ा कष्ट दिया आपके ज्ञान ने, हड्डी वट्टी टूट गई, पसली टूट गई, एक दो छाती की, ऐसा ज्ञान क्या ज्ञान जो कहता हो रमनते योगिनो सहिति रामा, हर जगह रमणीय राम है, हर किसी को राम में मानो। गुरु ने सर पे हाथ रखा, कहते बेटा पत्ते कितना। प्रेम ने बोलो जय श्री राम। कहा हाथी आ रहा था, हाँ गुरु जी आ, उठा उठा करके फेंक रहा था, हाँ गुरु जी फेंक रहा था, तो उसमें राम दिखे, दिखे। हाथी के आसपास कोई था? नहीं था। हाथी के ऊपर कोई था? था। कौन था जी? महावत था। क्या कह रहा था? हट जाओ हट जाओ, हाथी बावरा हो गया, हट जाओ हाथी बावरा हो गया। प्रेम ने बोलो जय श्री राम। कहता तुझे हाथी वाला तो राम दिखा, लेकिन महावत वाला राम नहीं दिखा, इसलिए तेरी पिटाई हो गई, ताली बजा दो। प्रेम ने बोलो जय श्री राम। इसलिए साहब जिंदगी में जो कार्य करें वो बड़ा सोच के बड़ा समझ करके करें। हरियाणा वालों, हरियाणा में कहावत है, जो क्या करें, जो बिना विचारे जो करे सो बाजे पछताए। प्रेम दे बोल जाए।